टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा का सबसे पहला उल्लेख 1895 ईस्वी में हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स के उपन्यास द टाइम मशीन में पाया गया था। इस किताब ने पूरे यूरोप में तहलका मचा दिया था। सभी लोग यह कहानी पढ़कर रोमांचित थे, इसके साथ ही अचंभित भी थे। पहली बार इसमें टाइम ट्रेवल की कल्पना की गई थी। यह उपन्यास बहुत चर्चित रहा था। टाइम ट्रेवल पर विश्व के अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इसके बाद टाइम ट्रेवल पर कुछ और उपन्यास भी प्रकाशित हुए, पर अभी तक टाइम ट्रेवल मनुष्य के लिए संभव नहीं हो सका है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे समय यात्रा के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। समय यात्रा एक विचार है जिसमें यह माना जाता है कि इंसान समय के एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच ठीक वैसे ही यात्रा कर सकता है जैसे वह एक शहर से दूसरे शहर के बीच यात्रा करता है। आसान शब्दों में समझाए तो ऐसी तकनीक विकसित की जा सकती है कि एक व्यक्ति 2021 से 2121 में जा सके या फिर ठीक इसका उल्टा कर सके। इस घटना को टाइम ट्रेवल या समय यात्रा का नाम दिया गया है। अभी तक वैज्ञानिक टाइम ट्रेवल को संभव नहीं बना पाए। कुछ वैज्ञानिक इसे असंभव बताते हैं। परंपरागत भौतिक विज्ञान की दूसरी शाखा क्वांटम फिजिक्स के अनुसार टाइम ट्रेवल संभव है। कुछ वैज्ञानिक वॉर्म होल्स के सिद्धांत से इसका संबंध जोड़ते हैं। इस सिद्धांत को आइंस्टाइन रोजेनब्रिज सिद्धांत भी कहते हैं। टाइम ट्रेवल के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि जो घटना या समय बीत चुका है उसका दृश्य और ध्वनि ब्रह्मांड में रिकॉर्ड हो जाता है। जिस तरह हम एक फिल्म को आगे और पीछे कर सकते हैं उसी तरह हम समय में आगे और पीछे जा सकते हैं, पर हम समय में किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा किया जाए तो पार्टिकल बिखर कर स्पष्ट हो जाएंगे। टाइम ट्रेवल की मदद से भविष्य में होने वाली घटना को भी देखा जा सकता है, क्योंकि सभी कार्यों की एक श्रृंखला होती है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि भविष्य के समय में जाकर उसमें बदलाव संभव है, परंतु जो समय बीत गया है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। टाइम ट्रेवल की कल्पना का उदाहरण सबसे पहले हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक महाभारत में मिलता है, जहां एक राजा ब्रह्मा से मिलने के लिए जाता है और वापस लौटता है तो पाता है कि उसके पीछे कई युग बीत चुके हैं। इस उदाहरण में भूतकाल का एक व्यक्ति भविष्य में चला जाता है। बौद्ध ग्रंथों में से एक पाइसी सूत्र में कुमार कसप्पा नाम का एक भिक्षु वर्णन करता है कि स्वर्ग में समय की गति पृथ्वी की तुलना में कम है, इसलिए वहाँ के लोगों की आयु पृथ्वी की तुलना में ज़्यादा होती है। इसी तरह जापान की एक कथा उरासीमा तारो के एक मछुआरे की कथा है जो तूफान में फंसकर एक द्वीप पर पहुँच जाता है और जब 3 दिन बाद अपने घर लौटता है तो पाता है कि वहाँ 300 साल गुजर चुके हैं। दुनिया की हर संस्कृति में समय यात्रा की इस तरह की देरों कहानी प्रचलित है। पहले यह धारणा थी कि समय निरपेक्ष और सार्वभौमिक है, सभी स्थानों पर एक सा समय है। जैसे यदि पृथ्वी पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो मंगल ग्रह पर भी सुबह के 10 बज रहे होंगे। पर महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन का सापेक्षता सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसका खंडन करता है। इसके अनुसार समय अलग अलग है। यह सिद्धांत कहता है कि दो घटनाओं के बीच मापा गया समय इस बात पर निर्भर करता है कि उसे देखने वाला किस गति से जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि टाइम ट्रेवल के लिए 5 तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें पहला है गति। आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार
जब हम प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं तो बाहरी दुनिया के सापेक्ष हमारे लिए समय धीमा हो जाता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण। आइंस्टाइन का सापेक्षता सिद्धांत कहता है कि गुरुत्वाकर्षण जितना अधिक शक्तिशाली होगा समय उतना ही धीमा होगा। हमारे सिर के मुकाबले हमारे पैरों के लिए समय धीमा होगा। तीसरा है निलंबित एनिमेशन यानी हाइबरनेशन। वैज्ञानिकों का कहना है कि बैक्टीरियल स्पायर्स लाखों सालों तक निलंबित एनिमेशन की स्थिति में जीवित रह सकते हैं। भालू और गिलहरी जैसे कुछ जीव हाइबरनेशन के दौरान अपने मेटाबॉलिज्म को धीमा कर सकते हैं, ऑक्सीजन और भोजन की आवश्यकताओं को कम कर सकते हैं। चौथा है वॉर्म होल। आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत शॉर्टकट विधि से टाइम ट्रेवल की मान्यता भी देता है। इसे वॉर्म होल्स कहा जाता है। इस विधि से 1 अरब प्रकाश वर्ष या उससे अधिक के बीच की दूरी के बीच कुछ बिंदु पुल की तरह काम करते हैं। पांचवा है प्रकाश का प्रयोग करके। अमेरिकी भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक रॉन मेलेट का कहना है कि स्पेस टाइम को मोड़ने के लिए रोटेटिंग सिलेंडर ऑफ लाइट का उपयोग किया जा सकता है। मैलेट के अनुसार सही ज्योमेट्री के द्वारा टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। पिछले कुछ सालों में स्पेस और टाइम को लेकर वैज्ञानिकों ने काफ़ी काम किया है और कागज़ पर उन्होंने ऐसे सिद्धांत खोज निकाले हैं जो यह बताते हैं कि समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल संभव है। लेकिन इस सिद्धांतों को ज़मीन पर उतारने के लिए एक टाइम मशीन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका कोई प्रोटोटाइप भी आज तक तैयार नहीं किया जा सका है। लेकिन भविष्य में समय यात्रा संभव हो इसके लिए वैज्ञानिक इस पे काम कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि भविष्य में हम समय यात्रा जरूर कर पाएंगे। क्या आप भी समय यात्रा करना चाहते हैं और किस समय में जाना चाहते हैं और क्यों, कमेंट में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।